हेलो एवरीवन, नमस्ते सारे जो, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज है मंडे और शाम के बज रहे हैं 6:30। अभी मैं जस्ट गई थी ज्वेलर की शॉप पे, क्योंकि क्या हुआ था ना, मैं ये वाला मैंने चेंज करवाया, क्योंकि इससे पहले वाला जो था ना मेरा, ये तिल्ली मतलब वो ना चुभ रहा था बहुत निचली वाली साइड से, ज़्यादा कुल्लफ कुल्लफ ही गलांदे आई थिंक, मतलब ज़्यादा जड़ा जोड़ हों से तिने कुछ ज़्यादा बड्डा पाई देता कने से मेरे नक्का च लग गया करता था बार बार आया, तो फिर मैंने सोचा कि चेंज कर देती हूँ। वैसे वो गोल्ड का था पर ये सिल्वर का है, पर मैंने चल ठीक है रगड़ा के तब बच गया ना, ये बहुत पेन हो रहा था अंदर वाली साइड में नोज़ के, सो ये मैंने करवाया चेंज। एंड अभी हम जा रहे हैं, तुर रहे हैं घर को, दूध आज हमने लेना नहीं, अभी मैं घर जाऊँगी सीधा वहाँ से पार्क, पार्क के साथ में लगी है सब्जी मंडी, वहाँ से थोड़ी कुछ सब्जियाँ लेके आऊँगी मैं आज, एंड दैट्स इट। सो एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी कि आज मौसम देखिए कैसा है बादल ही बादल, धूप नहीं लगी है, थोड़ा गुमसा है पर अच्छा है। Waiting for you with open arms. How about you coming close so we can do my place? Maybe we can try meeting up by 7. You'll be saying over so it's guaranteed. I'll be forever thinking about you and me. बस बस बेटू गाड़ी आएगी, चलो वापिस चले घर, घर चले। नहीं नहीं क्या हुआ, ओए अरे बाप रे, करमन करमन कलमल घर चले, मुन्ना घर चले, नो ये एक बार घर तो छुट्टियां देता फिर घर आने में मुश्किल बड़े। बाय करमन, मैं जा रही हूँ करमन, बाय बाय वो काकू की मत जाइयो करमन, बाय बाय बीबी। आज मैं और करमन दोनों वॉक पे निकले हैं, कने करमन ने मुझे दो गलियाँ घुमा दी हैं अभी तक, जो जो सी गली घर को जाती है उस वाली गली में जा ही नहीं रहा लड़का एक ही का कुकू है अच्छा आराम से आराम से आराम से, तो मैं ज़बरदस्ती इसको ले जा रही हूँ भला भड़ू के कि इधर को चल इधर को चल, नहीं जा रहा अब उधर से, हमने इधर को जाना, इधर को जाने का नाम ही नहीं ले रहा ये लड़का, बहुत चला के वो इतने 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 इतने। सो रात के बज रहे 9 और पार्क से आने के बाद मैं आंटी के पास बैठी थोड़ी देर, अच्छा लगता है मुझे उनके पास बैठना, अच्छी बातें बताते हैं वो, और थोड़ी देर करमन के साथ खेला, करमन के साथ मैं एक लॉन्ग वॉक पे गई अभी मैं पहुंची घर। आज खाने का ऐसा है कि मेरे पास पालक बचा हुआ कल का, और सब्जी आज मैंने लाई नहीं क्योंकि पल्लू ने बोला मैं खुद लाऊंगी, मैंने बोला ओके, तो मैं चपातियाँ बना के रखूँगी, थोड़ा पालक है और देखते हैं फिर अगर सब्जी बनाई तो ठीक है, नहीं तो नहीं बनाएंगे फिर, क्योंकि पालक भी तो ख़राब हो जाती है सब चीज़ें, फिर अच्छा नहीं लगता। चटनी भी पड़ी है आज हमारे पास, तो अभी मैं बनाऊँगी अपने लिए तरबूज का जूस, जो कि बड़ा ही यम होता पीने में, तो पहले मैं वो बनाती हूँ, पल्लू तो भी बहुत लेट आएगी। तो सबसे पहले हमने तरबूज को काटना है छोटे छोटे पीसेस में और बीज निकाल लेने हैं। सो ये मैंने छिलके निकाल दिए इनके, सॉरी छिलके भी निकाल दिए और बीज भी निकाल दिए, अब हम इसको करेंगे ग्राइंड और इसके अंदर डालेंगे पुदीना और काला नमक और नींबू, इतना यम जूस बनता ना, तो ये बताऊँ मैं। सो जूस हो गया हमारा रेडी, और हम डालेंगे गिलास में, अमेजिंग,
चीयर्स गाइस। बहुत ही अच्छा बना है और ये थोड़ा सा मैंने ज़्यादा बना लिया था, तो ये मैं फ्रिज में लगा दूँगी क्योंकि मैंने चिल्ड नहीं बनाया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये मैं पल्लू के लिए लगा दूँगी फ्रिज में, वो आके पी लेगी, पर बहुत यम बना है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? तो अभी रात के बज गए 10:30 और मैं जस्ट पहुँची हूँ रूम पे, जस्ट पहुंची रूम पे और रूम अंदर का बुरा हाल भाई, पानी है पानी पानी है पानी, चिकड़ा चिकड़ा कचरा सारा कर दुआ नहीं आई धोई थी आज तक, बड़ी धूल अपनी बढ़ गई। तो खाने से बढ़ गया यहाँ पे चावल और बनाया है आज क्या बनी रहा दाली बिच दाल का बच्चे साग बिना तो फिर खा रहा, मैं रोज रोज से ही खाऊँ बिना तो फिर आगे हाथ टूट की रहा मेरा थी स्वाद ना खाना सब साथ हाँ। तो इतना टाइम हो गया मेरे को, मतलब यू नो मेरे का मेरा ये था कि कुछ डिज़ाइन करना है, तो डिज़ाइन के लिए मशीन बाहर निकाली है और तब से ऐसी की ऐसी पड़ी है, मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है, सीरियसली मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा। कल संडे था तो कल ऐसा मन किया कि सो ही जाऊँ, मतलब होता है ना कि बॉडी को रेस्ट ही होता है, मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है खुद के लिए। इतने दिनों से सोच रही हूँ ऑयलिंग करनी है बट नहीं हो पा रहा। सुबह उठती हूँ तो फिर सोचती हूँ कि पूरा काम फटाफट कर लूँ और शाम को तो फिर अभी 10:30 पहुँचती हूँ घर, तो अभी कब ऑयलिंग करूँगी फिर कब नहाऊँगी तो पता नहीं कब तक चलेगा ऐसा। और एक और चीज़ मेरे को बतानी है कि 21 को आई एम नॉट श्योर कि जाऊँ, मेरी तरफ से तो मैं जाऊँगी 21 को, मैं जा रही हूँ दिल्ली क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है नेहा की शादी है और नेहा की शादी की शॉपिंग करने जाना मेरे को दिल्ली, और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी हैं वहाँ पे तो वो भी बोल रहे हैं कि आ जाओ इतना टाइम हो गया तुमसे मिले हुए, तो 21 को जाऊँगी मैं दिल्ली। तो थोड़ा सा मेरे को ऐसा होगा कि काम से थोड़ा यू नो फुर्सत मिलेगी, राहत मिलेगी, तो यही है क्योंकि यहाँ पे मेरा उतना अच्छा सर्कल है भी नहीं और मेरी एक ही फ्रेंड थी यहाँ पे नेहा, तो अब उसकी भी शादी हो रही है, अब वो भी चली गया घर पर, मैं ज़्यादा फ्रेंड बनाती भी नहीं हूँ और बस यही है। और हमें सफाई की भी काफ़ी टाइम हो गया था, जब नेहा आई थी हमारे घर तब हमने अच्छी से सफाई करी थी, उसके बाद हम आज कर रहे हैं हम नहीं मैं ओके साहब, मेरे पास टाइम ही कहाँ है सफाई करने के लिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने कपड़े धो लूँ और सफाई, तब तक मैं सोच रही हूँ कि सुबह के लिए कपड़े जो है मैं प्रेस करके रख दूँ ताकि, क्योंकि सुबह ज़्यादा टाइम नहीं होता मेरे पास, मेरे को फटाफट उठो ऐसे मैं एक्सरसाइज करती हूँ, आजकल तो वो भी बंद हो गई है तो आजकल कुछ भी नहीं होता, आजकल मैं उठती हूँ पानी पीती हूँ और सीधा मैं जाती हूँ किचन में सब्जी कभी कभी बनाती हूँ, चपाती बनाऊँगी, उसके बाद मैं खाना पैक करती हूँ, खाना पैक करने के बाद फ्रेश होके नहाती हूँ और फिर रेडी होके फटाफट से खाना खाती हूँ, अगर पड़ गया मेरे को खाना तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही भाग जाती हूँ, और फिर शाम को आपको पता है ऐसे तो मैं आके रेस्ट कर लेती थी, कुछ कुछ डिजाइंस वगैरह भी बनाती थी हाँ। और मेरा ब्रेकफास्ट मैं आपको बताती हूँ, मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट फ्रॉम माय चाइल्डहुड, मैं खाती हूँ, मेरे को क्या होता है चपाती ले लो, एक चपाती ले लो और उसमें मैं थोड़ा सा घी डालती हूँ उससे शक्कर और उसके रोल बना के, वो मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है, मेरे को इतना पसंद है दूध घी और ऐसी ऐसी चीज़ें, जैसे दूध और दूध से बनी चीज़ें मेरे को बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों मेरे को पहले से बचपन से बहुत पसंद है। तो अभी मैं आई हूँ ऑफिस से, तो दीदी ने बोले भाई आज किधर जूस आए, हाँ तरबूज वाटरमेलन का जूस बनाया मेरे लिए, मैं ट्राई करके देखती हूँ कैसा है, एकदम खड़खड़ाहट ही ला दीजिए, मेरी बहन बड़ी टैलेंटेड है, बहुत ही डिलीशियस बहुत ही डिलीशियस बना है सही में। सो किचन दो डाला मैंने पूरा बड़े अच्छे तरीके से एन चकाचक कर दिया और खाएंगे हम खाना, एक ही लेंद्रे चोले बिच कोकोनट वाटर लेंगे आज तो भाई नहीं मन दिया।
भाई 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 फार्म क्रिस पर जोड़ा ही राज 10 बन के आई। चलो लेट्स चेक यार। ओहो पकड़ वाला। हाय 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 जिमी गंद ये तो मेरी बड़ी अच्छी चीज है, इनकी फेवरेट क्या पुदीना। ये तो बड़ी है मुई है पुदीना किसी के बड़ी कॉम्प्लीमेंट देते थे ना पुदीना। देख बड़े लोगों की बड़िया गल धनिया मिर्च देंगे पुदीना देंगे सौ की घट बड़ी सी। इन्हें जेड़ी भी सब्जियां ये सारी फार्मा दी डायरेक्ट ते पे जी पैक पुक की तरी बड़ी आ दिखा वाला कचालू बचा रही है रूली रहे होंगे घर परांठा बना गे प्यागा इसका परांठा सटना कने ये तो ये इसका मैं केका बनाना सैलड बड़ा बढ़िया एक दही वाला ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਰੀਅਲ ਲੈਂਦਾ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਅੜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ ਦੇ ਆਜ ਹਮ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫਾਰਮ ਕ੍ਰਿਸ ਕੇ ਨਾਰੀਅਲ ਸੇ ਕਿਤਨਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਇਤਨਾ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਾ ਆਖਿਰ ਇਤਨਾ ਨਾਰੀਅਲ ਕੈਸੇ ਨਿਕਲਾ ਫਾਰਮ ਕ੍ਰਿਸ ਕੇ ਨਾਰੀਅਲ ਸੇ ਚਲੋ ਨਿਕਾਲੋ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਕੋ ਓਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਪਿਆ ਹੈ ਦੇਖੇ ਕਿਤਕੀ ਨਦੀ ਹੈ ਬਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਮੁਸਕਰ ਜਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਾੜੀ ਬੜੀ ਆ ਗਈ ਤੂੰ नारियल मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे तो यस मिलते हैं जोड़े तो तू प्रेम कराई लिया पर मेरी गल सुन चाड़ फिर बोली दे पी ज्यादा देखा बोलते पीछे आना है ना पतले पतले हो सड़ते फिर भी आएगा मिंजो भी खासते मिंजो रोटी की नहीं बनाई थी बुरी सच अरे मैं काले में गाड़ी लेने की मिली नहीं आई मिंजो भी अरे हमें क्या तो मिलती लिए मिले आई बड़े मुश्किल ये तो से दूजी दी से चुप दी लग रही थी थाले खाते फिर मैं ये ले ली मिंजो मिली नहीं था बेचारे आंटी दीते चार पत्ते मैं लिया भूली इधर पुदीना पुदीना भी 20 रुपये का मिलती थे कुछ आंटी बड़े अच्छे बेचारे क्या ब्लश है मैं नेचुरल ब्लश नहीं था कैसे लग रहे हैं गाइस मेरे ब्लश चुकंदर रस लाई था इन पर गालड़े यहाँ पर सर में नहीं है जिन आदमी सर की इच्छा कमाने जरा कोई कमाई रहनी हो खाना हो गया हमारा इस लाइट बंद कर दे था वीडियो नहीं सलाइट बंद कर दे था मेरी फ्रेश लाइट
मजा ही आ गया खाना खा के। नहीं क्या मैंने मेहनत की थोड़ी मेरे को कैमरा फायदा हो ही है बड़े भी। चलो जी खाई तो लिया हूँ पचाई भी लई है जरा। हाय 11:30 होइए हैं 11:30 होइए टाइम तो पता नहीं लगे आज टाइम का। इट्स टाइम इन मलयाली बंद कर दी कहाँ करना बंद तू जरा दस भाई ग्लोड़े की तो कितने लाल क्या आप भीम की गर्लफ्रेंड बन गई हैं हमें बताएं आपकी आपका भीम कहाँ है। भीम अभी स्टिल सर्चिंग मोड पे है। सर्चिंग मोड मैं एक बात आप सीरियसली आपसे पूछना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आपके पास कपड़े नहीं है क्या आप रोज एक ही टी शर्ट पहन लेते मैं टी शर्ट फाड़ देने को की माँ कसम। ये मेरी फेवरेट टी शर्ट है। आप हर बार पहले मैं सिर्फ बेचती दूजे टी शर्ट पर कि छाड़ती हूँ इतने पहन ली रोज लकी टी शर्ट है और ये मेरे दिल के बहुत करीब है तो मैं इसको पहनती हूँ। मेरे को इसको लकी लुकी कुछ नहीं है ये टिश्यू करने टावल नहीं यूज कर दी करने पूछ दे मुंह है देखा भला इतनी क्या बनाई रहा है सेट जैन इतने पर ये तक बोलने दी गल्ला हुंदी लकी सकी ये मुझे पता मुंह मां पूछना हुंदा था बढ़िया हुंदी लंबी जे बेटा बहुत कर दी आज मैं पूछ रही हूं बरखा दे परमात्मे बर एडा बर भाई आम धरती छिंडा पाई दे एडा बर बेचारे इस मांजे पर मुझे बड़ा दया पर करूं क्या हूं इस तरह। ठीक है गाइस गुड नाइट सो जाओ आज से आज वो है आज चंद्रमा की। हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो सुबह के 5:07 मैं उठ गई हूँ और फ्रेश हो गई हूँ तभी जा रही हूँ खाना बनाने ब्रेकफास्ट बनाने। थोड़ा सा लेट हो गई हूँ आज तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने पापा के फेवरेट अरबी के परांठे। कल मैंने आई थी अभी तो मेरे को ये बहुत पसंद है बहुत अच्छे लगते हैं। तो आलू से ज़्यादा मेरे को ये अच्छे लगते हैं आलू कैसे सूखे सूखे से होते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट में ही तो मैं फटाफट बना लेती हूँ क्योंकि मैं ऑफिस के लिए भी लेट हो रही हूँ। तो पहले मैं बना लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ आज तो बने जाएंगे। आज मैंने इतनी शिद्दत से आटा गूंधा है और ये डो तैयार किया है तो बना के दिखाती हूँ। मेरे को सिंगल परांठा बनाना नहीं आता क्योंकि वो मेरे से फट जाता है तो इसके बनता ही नहीं है आज। तो मैं डबल परांठा बनाती हूँ परांठे बना दिए हैं और अब मैं लगा रही हूँ इसमें थोड़ा सा घी। दो परांठे इसलिए एक दीदी के लिए एक अपने लिए और धुआंधार प्रोग्राम होता है जल में से अंदर क्रंची क्रंची ये मैंने ये बना दिया और एक ये मैं अगर मेरे से ब्रेकफास्ट हुआ तो उसके लिए बना रही हूँ। अगर बना तो बना इन द सेंस कि अगर मेरे को टाइम बचा तो मैं खा लूँगी नहीं बचा तो देती खा लूँगी। और मैं बहुत लेट हो रही हूँ मैं आपसे रेडी। गुड मॉर्निंग एवरीवन लाट साहब उठ चुके हैं और लाट साहब का कोड थोड़ा सा बढ़ गया है। लाट साहब नहाएंगे अभी सबसे पहले उसके बाद लाट साहब करेंगे ब्रेकफास्ट फिर जाएंगे ऑफिस।
धूप का तो पूछो मत क्या हाल है, बुरे हाल है। चलते हैं, रुक करते किचन की ओर। अब मुझे पता नहीं किचन में क्या पका है, क्योंकि अभी जस्ट उठ के मैंने सिर्फ कैमरा पकड़ा है। ओह माय गॉड, प्यार हो जाएगा ये देख के आप कुछ भी। ओह माय गॉड, मेरी बहन इतने अच्छे परांठे बना दिए, मुझे पता ही नहीं था। थैंक यू बहन। सो मैं पर ओह माय गॉड, परांठे की जितनी एक्साइटमेंट थी सारी वॉश बेसिन च पई गई। इतने भांडे कौन छड़दा धोने, मिंजो मैं भांडे धोने आई दुनिया च। सो सबसे पहले हम नहाएंगे फिर बनाएंगे चाय। चलो ठीक है, फास्ट हो गया डन और मैं निकल रही हूँ ऑफिस। बहुत यम परांठे बने थे, कैब आ गया मेरा। सो ओके, मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। चलो ठीक है, ख्याल रखिए सब अपना।